वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TripPlus पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं JVVNL हेल्पर 2 के एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आपके कितने हैं नंबर, तो आपका सेफ जोन कितना रह सकता है। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि जैसे एग्ज़ाम होया हुआ तो उनको ये रहता है कि अपना कितना स्कोर हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, क्या एक्सपेक्ट कट ऑफ में कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में हम ये सब डिटेल्स को लेके इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि इस पे इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी और कब इसका एग्ज़ाम आएगा और कितने नंबर पे है आपका सेफ जोन है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें चार जोन है। JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये AVVNL आ गया, ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आ गया, और ये ऑल राजस्थान का आ गया। इन चारों में अलग अलग वैकेंसियां थी, मतलब वैकेंसियों की जो संख्या थी वो अलग अलग थी। ठीक है फ्रेंड्स, चार जोन थे और कैटेगरी वाइज 1.5 टाइम्स पास, मतलब जिस जोन में जितनी वैकेंसी थी उनमें से 1.5 गुना स्टूडेंट्स की स्टूडेंट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, और बाकी जो जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे फिजिकल आगे उनको निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में उनमें। तो सबसे पहले तो 1.5 मतलब 1.5 गुना स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा, कितनी जाएगी कट ऑफ, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, रीज़न अलग अलग होने से बात नहीं है, कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है सबकी। रीज़न भले ही अलग हो भले ही सेम हो, लगभग मतलब एक दो ऊपर नीचे हो जाता है मगर सेम जाती है। अपने एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड का लेके ही चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले कर लेते हैं जनरल की बात। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड है ये, कोई श्योर नहीं है, कोई श्योर आपको नहीं बता सकता कि कितना जाएगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट कब आएगा वो वीडियो के एंड में अपने बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जनरल की देखें तो एग्ज़ाम फ्रेंड्स इजी था, बिल्कुल हार्ड नहीं था, तो कट ऑफ थोड़ी अप जाएगी। तो जिस किसी भी स्टूडेंट्स के 80+ मार्क्स है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, 80+ मार्क्स। अब इसमें यह नहीं कह सकते कि किसी के 80 से थोड़ा कम है तो वो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड के अंडर में ही सोचें आप। तो जिसके 80+ है वो सेफ जोन में है जनरल में। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल में। अब ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी का क्या होगा, ओबीसी के देखे तो 5-5 कम करते जाओ, क्योंकि इतना ही अंतर रहता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जनरल ओबीसी SC ST, जनरल ओबीसी तो बिल्कुल पास पास ही रहते हैं, बस 3-4 का फ़र्क पड़ता है। तो आप ओबीसी का 75+ लेके चलो, जिसके भी ओबीसी में 75+ है तो उसका सिलेक्शन मतलब वो सेफ जोन में आ सकता है। अब आगे बचा क्या, SC और ST, SC ST। SC ST में क्या होगा, SC ST का थोड़ा इसमें से नीचे रहता है, तो आप 68+ या फिर 70+ लेके चले, अगर आपके इतने नंबर हैं। अगर आपके SC में हो आप, अगर आपके 75+ है तो आप निश्चित हो जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आपका अगर 80+ है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब ये नहीं कह सकते कि 80+ से थोड़ा नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और 80+ से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है तो उसके अंडर में ही चलिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है, अब ये हो गया जनरल की होगी, ओबीसी की होगी, SC ST की बात होगी। अब बात आती है फ्रेंड्स किसकी, तो बात आती है रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब आएगा। फ्रेंड्स, रिजल्ट का अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है, तो एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, रिजल्ट का अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक्सपेक्टेड का वीडियो बनाया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्ट तो है जनवरी के एंड में या जनवरी एंड में, जनवरी एंड या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में, इस फरवरी स्टार्ट में इसका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी अगर वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि वो कब इसका रिजल्ट जारी करे,
और कब इसकी ज्वाइनिंग डे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाए ताकि वो इस वीडियो को समझ सके, देख सके। और ठीक है, बाकी समझ गए आप। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को स्टडी स्किल सक्सेस यानी कि SSS को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ज़रूरी सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, अगर कोई भी इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।